नमस्कार दोस्तों, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं या इंटरनेशनल न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आपको जरूर पता होगा कि पिछले 22 तारीख से मंडे से चाइना ओरिजिन के सारी शिपमेंटों को होल्ड कर दिया गया है बाय इंडियन कस्टम्स विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी ऑफिशियल नोटिस। इसके चलते लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन से क्रिएट हो गई है, क्या ये इंडिया चाइना बॉर्डर में जो टेंशन चल रही है उसके चलते हुआ है या कोई और रीजन से। कई कुछ सोर्सेज का तो ये भी कहना है कि चेन्नई पोर्ट में कोई ड्रग्स रिलेटेड इंटेलिजेंस इंपोर्ट के चलते ये सारी होल्टिंग शुरू की गई है, जो कि अब तक नहीं रुकी है, जिसके चलते चाइना की सारी शिपमेंट जहाँ की तहाँ पड़ी हुई है पिछले एक हफ्ते से। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज की तारीख है 28 जून 2020, तो 22 तारीख से अब तक यानी पूरा हफ्ता बीत चुका है, सारी चाइना ओरिजिन की शिपमेंट जहाँ की तहाँ पड़ी हुई है। तो इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि देखेंगे कि आखिर ये शुरू किस वजह से हुआ है। मैं खुद एक कस्टम ब्रोकर हूँ, मैं आपको अंदर की बात बताऊँगा कि अंदर क्या डिस्कशंस होती है। मैं रोज़ डीसी कमिश्नर आपका इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट के टच में रहता हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ क्या डिस्कशंस होती है। मेरा नाम है दीपांकर, आप सभी देख रहे हैं मेरे चैनल ग्लोबल व्यापार, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। आप ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देखेंगे, It is learned that over the last fortnight, as tensions at the Ladakh border grew, customs authorities have indicated to importers that there will be delay in clearing Chinese shipments, but have not cited any reason. आप देख सकते हैं कि कस्टम ऑफिशियल्स ने अब तक कोई रीजन नहीं दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देखते हैं, कंसाइनमेंट्स फ्रॉम चाइना पुलिंग एट पोर्ट एट कस्टम्स एज कस्टम्स टाइटन स्क्रूटिनिटी। इतने ज़्यादा क्लॉगिंग हो चुकी है एयरपोर्ट पे कि बड़े बड़े जो हमारे प्लेयर्स हैं फेडेक्स और डीएचएल, उन्होंने भी इंपोर्ट शिपमेंट्स लेना बंद कर दिया है फ्रॉम चाइना, हांगकांग एंड मकाओ फ्रॉम दिस वेंसडे। अब ये शुरू कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, थोड़ा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये सबसे पहला जो आपका क्या कहते हैं होल्टिंग शुरू हुई थी वो चेन्नई पोर्ट पे हुई थी, फिर वहाँ से मुंबई नावाशेवा पोर्ट, जो कि JNPT कहते हैं हम उसको, नावाशेवा पोर्ट कहते हैं, वहाँ पे शुरू हुई, फिर वहाँ से आया आपके दिल्ली एयरपोर्ट में मैं था जिस दिन रुका था। मेरी शिपमेंट अभी तक रुकी हुई है, मंडे को मैंने वो शिपमेंट डाली हुई थी, फाइलिंग करी हुई थी, अब तक वो शिपमेंट का कोई असेसमेंट नहीं हुआ, जो शिपमेंट जहाँ की जहाँ पड़ी हुई है। अब ये दिल्ली एयरपोर्ट से फिर कोलकाता एयरपोर्ट में गया और अब मेरे ख्याल इंडिया के सारे पोर्ट्स में ही ये चल रहा है। और सबसे बड़ी देखने वाली बात तो ये है कि एक हफ्ता हो गया है, आप समझ सकते हो कि पर डे एयरपोर्ट से कितनी सारी कंसाइनमेंट्स निकलती हैं दिल्ली एयरपोर्ट से, और पर डे का वहाँ डैमेज लगता है, मतलब ये समझ लो कि 10 रुपये पर किलो का डैमेज लगता है एक दिन का, तो एक एक टन दो दो टन वाली शिपमेंटों का क्या हाल हुआ होगा। एक हफ्ते से वो शिपमेंट वहाँ की वहाँ पड़ी हुई है, तो इसके चलते लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो बड़े बड़े आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, एप्पल हो गया, वीवो हो गया, आपका ओप्पो हो गया, चाइनीज़ ब्रांड्स जो है जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं जिनकी फ़ोन असेंबली होती है, उनके सारे स्पेयर पार्ट्स बाहर से आते हैं, उनकी रेगुलर बेसिस पे इन्वेंट्री रेगुलेट होती है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका क्या हाल हो रहा होगा एक हफ्ते में, उनकी शिपमेंट जहाँ की तहाँ पड़ी हुई, और सारी की सारी शिपमेंट्स उनकी एयर से आती है मोस्टली। तो इसके चलते अब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया है किसी इंडियन कस्टम्स ने, नहीं दिया है DGFT ने, ना CBIC ने, ना ही होम मिनिस्ट्री ने, तो इसके चलते बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है लोगों के बीच में और समझ में नहीं आ रहा कि होने क्या वाला है। जो मेरे को लगता है रीज़न, मैं पोर्ट पे रहता हूँ पूरे दिन, ऑफिशियल कस्टम्स के टच में रहता हूँ, ऑफिशियल्स के बड़े बड़े अफसरों के टच में रहता हूँ, तो मेरे को जहाँ तक लगता है ये सारा का सारा बॉर्डर टेंशन को लेके ही हुआ है। कोई स्मगलिंग इंपोर्ट नहीं होगा कोई, क्योंकि स्मगलिंग इंपोर्ट होगा भी तो उस पोर्ट पे रोकेंगे ना यार, पूरे इंडिया के सारे पोर्ट पे क्या रोकने का क्या मतलब है। आप सोचो ना कि कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है लोगों को, उनकी सप्लाई चेन रुक रही है, उनके डैमेज लग रहा है, उनकी शिपमेंट्स निकल नहीं रही हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग रुकी हुई है, ये सारा का सारा इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के चलते ही, वहाँ जो बॉर्डर में जो टेंशन चल रही है उसके चलते ही ये सारी होल्टिंग शुरू हुई है। और बॉयकॉट चाइना का तो आपको पता ही है कि कुछ पिछले एक आध महीने से चल ही रहा था, तो गवर्नमेंट ने भी अपॉर्चुनिटी देखी और मार दिया थोड़ा, तो ये सारा इंडिया चाइना का जो स्टैंड ऑफ है उसके चलते ही हुआ है। और बॉयकॉट सेंटीमेंट्स का फ़ायदा उठाते हुए गवर्नमेंट ने टेस्ट किया है, अब देखो टेस्ट किया है क्या किया है वो तो बाद में ही पता लगेगा। और इसके चलते चाइना ने क्या रिटेलिएशन मेजर्स लिए हैं उसके बारे में आपको मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से एक नीचे लाइक मार दो, और अगर नहीं भी अच्छा लग रहा तो डिसलाइक मार दो, मुझे कमेंट में बता दो कि अच्छा क्यों नहीं लग रहा। और अगर आपकी कोई शिपमेंट, आप भी कोई इंपोर्टर हो या कुछ आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं और आपकी कोई शिपमेंट आके किसी पोर्ट पे अटकी हुई है, तो मेरे को नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, और इसको शेयर ज़रूर करना अगर आपके कोई इंपोर्टर दोस्त है, मेरे को बड़ा इसमें मोटिवेशन मिलता है अगर आप कमेंट कर देंगे, लाइक कर देंगे, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोज़ डालता रहूँगा, वैल्यू प्रोवाइड करता रहूँगा, और कोई पैसे तो लग नहीं रहे आपके, तो सब्सक्राइब कर देना, मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। एक डाटा के अनुसार इंडिया हेविली डिपेंड्स ऑन चाइना फॉर बैटरी एंड बैटरी सेल्स विच आर यूज इन बिल्डिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। करेंटली नो फर्म इन इंडिया मैन्युफैक्चर दिस बैटरी विच गिव्स चाइना अ काइंड ऑफ मोनोपोली। देख लो आप, इंडिया में ऐसी कोई फर्म नहीं है जो ये बैटरी जो गाड़ियों में लगती हैं। आजकल आपको पता ही है कि सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड चल रहा है और आगे फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है, तो उसमें जो बैटरीज लगती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना करता है। इंडिया में ऐसी कोई फर्म नहीं है जो ये लिथियम ये जो गाड़ियों में लगने वाली बैटरी है इनको बनाती हो। बड़े ऑटो मैन्युफैक्चरर्स लाइक बजाज, TVS,
महिंद्रा, टाटा, मारुति इम्पोर्ट देयर बैटरीज फ्रॉम चाइना, वो सारे के सारे चाइना से ही आते हैं उनकी बैटरीज, वो खुद करते हैं या बाई वाया किसी थर्ड पार्टी के कराते हैं। इवन फार्मा इज़ एट हायर रिस्क बिकॉज इंडिया इम्पोर्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, 60 to 70% API फॉर फार्मा चाइना से ही आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनकी ऑपरेशंस इंडिया में है और उनकी मटेरियल भी चाइना से आता है, और इस हॉल्टिंग के चलते वो भी बहुत बैडली अफेक्टेड हैं। इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के जनरल सेक्रेटरी सुदर्शन जैन का कहना है, इन द इमीडिएट फ्यूचर वी आर गोइंग टू बी कंटिन्यू टू बी रिलायंट ऑन चाइना। वो कहते हैं कि हम अभी फ्यूचर में कुछ टाइम तक तो चाइना के ऊपर ही डिपेंडेंट रहने वाले हैं। अब ये तो बात रही इंडिया में चाइनीज शिपमेंट्स के साथ क्या हो रहा है, अब बात करते हैं रिटेलिएशन मेजर की, कि चाइना ने क्या एक्शन लिया है इस हॉल्टिंग के चलते। कुछ सोर्सेज का ये कहना है, कुछ एक्सपोर्टर्स का ये कहना है एक्चुअली, कि उनकी कुछ शिपमेंट्स चाइना और हांगकॉन्ग के पोर्ट में काफ़ी दिनों से पड़ी हुई है, वो क्लियर नहीं हुई, जनरल से ज़्यादा टाइम, यूजुअली जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब ये इंडिया में जो सिचुएशन चल रही है चाइनीज शिपमेंट्स को लेकर, उसके चलते हुआ है कि कोई और रीज़न ये तो अभी भी क्लियर नहीं है, बट सोर्सेज कहते हैं कि चाइना को पता लग गया है कि इंडिया में सारी उनकी कंसाइनमेंट्स स्टक हो रखी है पिछले एक हफ्ते से, जिसके चलते DHL और FedEx ने भी पिछले बुधवार से सारी शिपमेंटों को उठाना बंद कर दिया है फ्रॉम चाइना, हांगकॉन्ग एंड मकाओ। बिटवीन अप्रैल 2019 एंड फरवरी 2020 14% इंडियाज़ टोटल इम्पोर्ट चाइना से हुआ है, जो कि जिसके अंदर थे आपके कंपोनेंट्स ऑफ स्मार्टफोन एंड ऑटोमोबाइल्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, प्लास्टिक एंड मेटेलिक गुड्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड अदर केमिकल्स। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट हैं, जो क्रूशियल चीज़ हैं जो हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, जो कि अराउंड 2018 से 2019 के बीच में हमने अराउंड 68% ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना, विच अकाउंट फॉर अराउंड 3.56 बिलियन। तो आप समझ सकते हैं कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ बनाने के लिए जो ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडियंट बहुत क्रिटिकल होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए हम ऑलमोस्ट कम्प्लीटली चाइना के ऊपर डिपेंडेंट। तो मुझे तो लगता है कि ऑल ऑफ सडन जो ये हॉल्टिंग हुई है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे सारे के सारे, एक तो वैसे ही क्या कहते हैं, पैंडेमिक के चलते लोगों के पास काम नहीं है, इम्पोर्टर्स के पास काम नहीं है, इम्पोर्टर्स का सामान नहीं बिक रहा। मैं छोटे इम्पोर्टर्स की बात करूँगा इस टाइम पे, बड़े इम्पोर्टर्स की बात नहीं करूँगा। छोटे इम्पोर्टर्स के पास वैसे ही कुछ काम नहीं है, लोगों के पास वैसे ही कुछ काम नहीं है, और उसके ऊपर अगर ऐसा कोई मेजर डाल देंगे इंडस्ट्री को, वैसे एक तो इंडस्ट्री वैसे ही डिस्ट्रप्टेड है ड्यू टू दिस पैंडेमिक, अगर और ऊपर से ये सारी हॉल्टिंग वगैरह चलेगी विदाउट एनी ऑफिशियल नोटिस, विदाउट एनी रीज़न, तो लोगों का क्या हाल होगा आप समझ ही सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये जो गवर्नमेंट ने मेजर लिया है, चाहे जिस वजह से भी लिया हो, मुझे लगता है कि सप्लाई चेन को हम बिल्कुल स्मूथ रखेंगे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएंगे इंडिया में, तो ही हमारा इंडिया सेल्फ रिलायंट बन पाएगा। पहले हम अपनी इंटरनल इंडस्ट्रीज़ को इतनी ज़्यादा मजबूत करेंगे, इतनी ज़्यादा इफेक्टिव करेंगे कि हम खुद ही चीज़ों को बनाएं और इम्पोर्ट पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहे, ना कि इम्पोर्ट को बंद करेंगे और उसके बाद अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को पुश करेंगे कि बनाओ बनाओ बनाओ, और नहीं बना पाए तो भूखे मर जाऊँ। तो ये तो मेरे को लगता है कि सही नहीं है। तो इसके बारे में तो खैर आगे पता लगी जाएगा कि गवर्नमेंट क्या रीज़न बताती है, क्या बताती है ऑफिशियल नोटिस में, क्या निकलता है मंडे तक। उम्मीद है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सारी चीज़ें दोबारा स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। सो आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। आपके कोई जानने वाले हैं जो क्या कहते हैं इम्पोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो, और उनकी पेमेंट, वो मेरे से कई लोग पूछते हैं कि यार मैं आगे पेमेंट करूं कि ना करूं, बुक करूं कि ना करूं, तो मैंने तो पिछले हफ्ते से उनको यही बोल रहा था कि आपके जो शिपमेंट जहां पे है, जो भी स्टेटस है, उसको कुछ भी मत करो, वैसा का वैसा छोड़ दो, ना पेमेंट करो, ना पेमेंट मंगवाओ, ना शिपमेंट भेजो, ना शिपमेंट मंगवाओ, जो जैसी है वैसी की वैसी रोक दो। अभी पता नहीं आगे गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेने वाली है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अपने इंपोर्टर एक्सपोर्टर दोस्तों के साथ शेयर कर देना, या किसी भी उस बंदे के साथ शेयर कर देना जिसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में सीखना हो, सप्लाई चेन के बारे में पढ़ता हो, या कोई MBA इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हो, या MCOM इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हो, तो उसके लिए भी ये बहुत वैल्यूएबल रहेगा वीडियो। तो थैंक यू सो मच। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपकी कोई शिपमेंट्स रुकी है कि नहीं रुकी है। सो थैंक यू सो मच। मेरा नाम है दीपांकर, थैंक यू।